हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फूड फटाफट में। और दोस्तों मैं आया हूँ इस वक्त पटना में, बिहार की राजधानी है, जी हाँ दोस्तों पटना। और यहाँ पे दोस्तों बिहार का जो सबसे ट्रेडिशनल फूड है ना, वो है लिट्टी चोखा। और ये आप सबको पता है कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है वर्ल्ड वाइड। तो आज मैं आया हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ पे बनाया जाता है लिट्टी चोखा बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से। आप पीछे मेरे देख सकते हैं किस तरीके से धुआं उठ रहा है ना। तो यहाँ पे दोस्तों लिट्टी बनाई जाती है गोईठे के ऊपर, जी हाँ दोस्तों काउडंग केक जिसे कहते हैं उसके ऊपर। और पुराने ज़माने से बनाई जा रही है दोस्तों गोईठे के ऊपर, कोयले पे तो अब बननी शुरू हुई है ना, मगर यहाँ पे बनाई जाती है दोस्तों बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से। तो आइए आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये बनाई जाएगी, किस तरीके से स्टफिंग की जाती है, किस तरीके से चोखा बनाने के लिए बैंगन टमाटर ये सब पकाया जाता है, साथ ही साथ लिट्टी को गोईठे के ऊपर कैसे पकाया जाता है। आइए पूरा प्रोसेस देखेंगे और एंड में करेंगे टेस्ट और भैया से भी बात करेंगे। तो आइए दिखाता हूँ किस तरीके से बनाते हैं और कैसा है इसका स्वाद। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे आग लगाई गई है और कढ़ाई के अंदर अब डाला जाएगा दोस्तों गोईठा, जो कि काउडंग केक्स भी जिसे कहते हैं इंग्लिश में। और हमारे बहुत सारे दोस्त जो बिहार के, उनको तो सबको पता ही है दोस्तों शुद्ध खाना जो बनता है ना गाँव में, हमारे गाँव में वो इसी के ऊपर बनता है। और यहाँ पर देखिए लिट्टी बनाया जा रहा है। तो अभी गोईठा लगाया जा रहा है, इसमें लगाई गई है आग कुछ इस तरीके से, ये देख सकते हैं। और ये अभी थोड़ा सा टाइम लेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको जलने में। तो ये देखिए दोस्तों भैया ने इस तरीके से कुछ बोरी में भर के गोईठे सारे रखे हुए हैं और यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। अब इसके ऊपर ही हमारी लिट्टी और जो हमारा बैगन है, टमाटर है, आलू है, वो सब पकाया जाता है। कितना टाइम लगेगा इसको जलने में? अभी जलने में कम से कम 10 मिनट। 10 मिनट में? 10 मिनट में अच्छे से मतलब ये आग पकड़ लेगा, है ना? तो ये देखिए दोस्तों, ये है सारा बैगन जो अभी उसी आग में पकाया जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे रखा हुआ है बैगन और ये साथ ही साथ यहाँ पे रखा हुआ दोस्तों टमाटर, जो कि चोखा जो बनता है ना इसका, बेसिकली लिट्टी और चोखा फेमस है। तो चोखे में ये दोनों चीज़ें जाती हैं। अभी आलू भी जाएगा, वो भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए बैगन, बैगन ही बैगन दोस्तों यहाँ रखे हुए हैं। बैगन की क्वालिटी भी देखिए बड़ी ज़बरदस्त। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ना घी गरम किया जा रहा है जो कि लिट्टी में डाला जाता है, और देसी घी है दोस्तों ये गांव का बिल्कुल प्योर। अब दोस्तों ये देखिए यहाँ पे बैगन डाला जा रहा है पकाने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से ना गोईठे के चारों तरफ बैगन रखा जा रहा है। तो ये कितने टाइम में पक जाएगा भैया? अभी 10 मिनट। 20 मिनट। तो ये देखिए दोस्तों इसको डाला गया, अब ये 20 मिनट तक इसी तरीके से पकेगा इसके अंदर। और बड़ा ही स्वादिष्ट होता है दोस्तों, क्योंकि इसको जो आग पे पकाया जाता है ना, तो जो खुशबू होती है, जो धुआं होता है ना बेसिकली आग का, वो एक अलग ही खुशबू देता है। तो उसका जो सौंधापन है, स्मोकीनेस है, वो बड़ा लाजवाब इसको टेस्ट देता है। तो ये देखिए दोस्तों हमारा जो बैगन है और जो टमाटर है ना, कुछ कुछ पकने लगा है, तो उसको इस तरीके से छांट लिया जाता है, और जो नहीं पका उसको दोबारा डाला जा रहा है। तो कुछ निकाल लिया जाएगा और कुछ वापस छोड़ दिया जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों आग पे पकने के बाद बैगन और टमाटर को यहाँ लाया जाता है और इस तरीके से यहाँ पर साफ़ किया जाता है अच्छे से पानी से। सारा जो ऊपर का छिलका है वो निकाल दिया जाता है और इसको पानी से धो के अलग से रखा जाता है, जिसका अभी चोखा बनेगा। तो कुछ इस तरीके से ये सारी चीज़ों को, बैगन को और टमाटर को, इसको इस तरीके से अच्छे से मिक्स किया जाता है। इसमें आलू भी जाता है, आलू भी डालेंगे अभी। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आलू रखा है, ये भी इसमें डाला जाएगा अभी। तो ये भी मिक्स किया जाएगा, इसको भी अच्छे से पका के, और यहाँ रखा हुआ है अभी इस टमाटर और बैगन को मिक्स किया जा रहा है, और उसके बाद आलू मिलाया जाएगा। तो ये देखिए अब इसमें मिलाया जा रहा है दोस्तों आलू, इसको बॉयल किया हुआ है, उबाला हुआ है। तो उबाला हुआ आलू इसमें मिलाया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे ना लिट्टी को स्टफ़ किया जा रहा है, ये आटे की लोइयाँ बना के ना, इसके अंदर ये सत्तू यानी कि जो मकुनी बोलते हैं ना यहाँ पे बिहार में, मकुनी, हाँ सत्तू चाहे मकुनी, उसको इसमें स्टफ़ किया जाता है। और देख सकते हो इसके अंदर बहुत सारे मसाले भी डले हुए हैं। अभी भैया से पूछते हैं, तो भैया इस जो ये मसाला बना हुआ इसके अंदर क्या क्या डाला हुआ है? इसमें है गोलकी है, हाँ हाँ, धनिया पत्ता है, अच्छा, और अचार है, करू तेल डलाता है, करुआ सरसों का, करुआ सरसों, और मिर्चा रहता है, लहसुन रहता है, इसमें करके बनाया जाता है।
तेल दिए हैं, नमक दिए हैं और इसका लहसुन है, कच्चा मिर्चाई है, उसका मसाला बना के दिए। ठीक है दोस्तों, बारीक बारीक मिर्ची काटी हुई है, ये भी इसके अंदर जाएगी और कटा हुआ लहसुन भी है इसके अंदर। तो ये डाल दिया गया चोखे के अंदर और इससे और जो चोखे का स्वाद है ना वो और चटपटा हो जाएगा, क्योंकि तीखापन आएगा ना जब मिर्च से। तो ये आ गया दोस्तों और थोड़ा सा सरसों का तेल इसके ऊपर। और दोस्तों बिहार के खाने में ना सरसों का तेल जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो ना बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है सरसों का तेल। वो तो बाकी सभी जगहों पर ना रिफाइंड हो गया, घी हो गया, बटर हो गया, इस तरीके से यूज़ किया जाता है, मगर बिहारी खानों में ना दोस्तों सरसों का तेल ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसका जो स्वाद है ना वो बड़ा लाजवाब होता है और तीखापन भी देता है हल्का सा। तो ये देखिए हमारा जो चोखा है ना वो बहुत ही लाजवाब दिख रहा है अब इस वक्त, भाई कलरफुल। पहले जिस तरीके से बिल्कुल कलर नहीं दिख रहा था ना, मगर अब जो कलर आ रहा है इसका बहुत ही लाजवाब, और सारी चीज़ें इसमें डाली है ना तो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें मिला के मिक्स करके बहुत ज़बरदस्त चोखा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। और ऐसा चोखा अगर लीची के साथ खाने को मिले ना दोस्तों तो उसका क्या कहने दोस्तों, क्या बात है। ये देखिए कितना गाढ़ा चोखा है हमारा यहाँ पे, वाह। तो ये ले दोस्तों हमारा जो टमाटर और बैंगन था ना वो तो पक गया था, अब जो हमारा आग बची है इसके ऊपर पकेगी लिट्टी और इस आग को फैलाया जा रहा है। देखिए किस तरीके से भैया इसको फैलाया है और अब इसमें डाली जा रही है दोस्तों लिट्टी। ये देखिए आप हल्की हल्की गोल करके इसमें आग पे लिट्टी डाली जा रही है। एक बार में भैया कितने लिट्टी इसमें पक जाती है? 50, 60, 70, 80, 100। अच्छा एक बार में मतलब 50 से 100 तक पका लेते हैं इसमें ना। और कितना टाइम लगता है इसको पकने में? 15 से 20 मिनट। 15-20 मिनट। तो ये देखिए दोस्तों आज इतनी ज़बरदस्त तेज़ है वो ठेकी की जो हमारी लिट्टी है ना वो डालते ही डालते साथ में पकने भी लगी। देख रहे हो आप किस तरीके से यहाँ पे लिट्टी भी हमारी पकनी शुरू हो चुकी है। और कह रहे हैं जिस तरीके से भैया 15 मिनटों के अंदर जो हमारी लिट्टी है वो तैयार हो जाती है। तो क्या नाम हुआ? मेरा निक्कू साहब नाम। तो कब से लगा रहे हो भैया ये स्टॉल यहाँ पे? तो लिट्टी 7 साल हो गया। 7 साल से यहीं पे लगा रहे हैं आप? हाँ यहीं पे। और डिमांड इसी तरीके से मतलब लोग आते रहते हैं खाते रहे सुबह शाम? हाँ। और क्या टाइमिंग है आपकी शॉप की? क्या टाइमिंग? वही 11:30 मॉर्निंग से खुलता है 6 बजे तक, 6 बजे के बाद ऑर्डर आता है, ऑर्डर पर बनाते हैं। अच्छा अच्छा, उसके बाद ऑर्डर पे। ऑर्डर। और लंच में भी लोग खा के जाते हैं? हाँ। अब मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे यहाँ जैसे आप बनाते जा रहे हो तो भीड़ लगनी शुरू हो गई है लिट्टी से, काटे से काटे कस्टमर फुल हो जाता है। अच्छा, काटे से काटे कस्टमर ओवर हो। हाँ हाँ हाँ। तो देखिए दोस्तों अच्छे से ना लिट्टी को मिक्स किया गया है आग में, अब हमारी जो लिट्टी है वो बिल्कुल पक चुकी है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से भैया इसको चला रहे हैं और इसको ना अब जो जो लिट्टी हमारी पक चुकी है वो देख देख कर निकाली जा रही है साइड में परात में, ये देख सकते हो यहाँ पे निकाली जा रही है और इसको अब साफ़ किया जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से साफ़ किया जाता है, उसका भी एक बड़ा ही स्टाइल है, यूनिक स्टाइल, वो भी देखते हैं। तो देखिए हमारी लिट्टी जो इस वक्त काफ़ी गंदी लग रही है ना, आपको लग रही है कि कोयले जो राख है बिल्कुल उसमें लिपटी हुई है, मगर अभी थोड़ी देर में जो लिट्टी है ना हमारी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। अभी देखिए क्या ज़बरदस्त लग रही है देखने में, बिल्कुल ब्लैक, क्योंकि इस पे जो कोटिंग है ना वो हो चुकी है राख की, ये देखो। तो इसके बाद जब ये साफ़ की जाएगी ना उसके बाद ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी। और लिट्टी जो हमारी वो बिल्कुल इनको लगे 10 से 15 मिनट भैया को पकाने में और बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से ये बस चलाए जा रहे थे लिट्टी को। तो ले दोस्तों अब बारी आ गई हमारे लिट्टी को साफ़ करने की। तो ये देख रहे हो आप बोरी, इस बोरी के अंदर ना इस लिट्टी को डाला जाएगा, ये देखो भैया यहाँ पे ना बोरी के अंदर लिट्टी को डाल रहे हैं, ये देखिए सारी लिट्टी को ना इसके अंदर डाली जाएगा और उसके बाद इसको साफ़ किया जाएगा। मैं दिखाता हूँ किस तरीके से, ये देखो ये सारी लिट्टी ना अभी इसके अंदर डाली जा रही है,
जी। और दोस्तों यही तरीके होते हैं जो ट्रेडिशनल वे में बनाए जाते हैं चीज़ें गांव में, मेरे गांव में, क्योंकि मैं बेसिकली आपको पता है मैं बिहार से हूँ, तो मेरे गांव में भी हम लोग लिट्टी जब बनाते हैं ना तो गोईठे के आँच पे ही बनाते हैं और उसको साफ़ किया जाता है बढ़िया तरीके से। तो ये देखो किस किस तरीके से, मुझे याद है दोस्तों बचपन में हम जब गाँव जाया करते थे ना तो लिट्टी हम लोग इसी तरीके से बनाते थे और उसको कपड़े में ना बांध के उसको हल्का सा जब रगड़ते थे ना तो वो पूरी लिट्टी साफ़ हो जाती थी। तो ये देखो कुछ इस तरीके से, ये भैया ने बोरी उठा ली है और इसको अब लिट्टी को ये देखिए अब झाड़ा जाएगा। ये देखो तो जितनी भी राख थी ना वो उस लिट्टी के ऊपर जो लगी हुई थी वो सारी साफ़ हो जाएगी। और दोस्तों वो राख जो होती है ना वो गंदी नहीं है, वो बिल्कुल जली हुई राख है तो वो बिल्कुल हार्म नहीं करेगी, बिल्कुल साफ़ हो जाएगी लिट्टी के ऊपर, बिल्कुल भी नहीं रहेगी, बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। देखो अभी मैं दिखाऊंगा जब लिट्टी निकलेगी। तो ये देखो कुछ इस तरीके से स्टाइल से है, मैं कहूँगा ना स्टाइल से कि लिट्टी साफ़ कर दी जाएगी। ये देखिए दोस्तों अब लिट्टी निकाली जा रही है, ये देखिए। तो गर्मा गर्म लिट्टी हमारी बिल्कुल रेडी है और अभी टेस्ट करेंगे इसको और देखेंगे कैसा है इसका स्वाद। भाई आज मज़ा आएगा लिट्टी खाने का दोबारा से, क्योंकि गाँव के तरीके से बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से इस लिट्टी को बनाया गया है। और ये देखिए जैसे मैं कह रहा था ना आपको कि बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, तो ये देखिए इसके ऊपर से सारी राख निकल चुकी है और जो लिट्टी है हमारी बिल्कुल कुरकुरी ऊपरी तरफ जो है ना बिल्कुल कुरकी करारी हुई है और बिल्कुल साफ़ हो चुका है हमारा लिट्टी। आ रहा है दोस्तों देख के मज़ा, ऐसी चीज़ें ना दोस्तों ऑथेंटिक चीज़ें देखने में ना जितना मज़ा आता है उतना ही मज़ा खाने में भी आता है। मेरा नाम उज्जवल यादव हुआ, मैं विक्रम विधानसभा का धरती माँ का पुत्र हूँ। हम यहाँ आते हैं तो जरूर लिट्टी चोखा खाते हैं। खाते हैं हाँ। कैसा लगता है आपको यहाँ का लिट्टी चोखा? यहाँ समझिए कि पटना में बेस्ट लगता है। बेस्ट लगता है हाँ, पूरा पटना में बहुत जगह हम खाते हैं लेकिन यहाँ का स्वाद माने देसी मिलता है। बिल्कुल गांव वाला हाँ, जो देसी ट्रेडिशनल जो स्वाद होता हाँ, है हाँ, जो देसी होता है हम लोग का गांव देहात का हाँ, 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 जो गैस टैस हाँ, सब हाँ, नहीं, नहीं, नहीं होता है हाँ, नहीं बना हुआ रहता है तो हम लोग आधा घंटा वेट भी करते हैं। मैं देखा जिससे मैं आए थे तो 10 मिनट पड़ा था अभी। जी मैं देख रहा हूँ काफी टाइम से ना यहाँ पे आप वेट करते हैं लिट्टी खाने के लिए, तो बताइए जरा कैसा लगा आपको लिट्टी? टेस्ट काफी अच्छा है। एक्चुअली मैं भी बाहर में ही रहता हूँ, ट्राई तो बहुत किया नॉर्मल वाला जो आग पे लगाते हैं कोयले पे, ये गोईठा वाला पहला, उसमें जो टेस्ट आ रहा है आपका बिल्कुल गोईठा का जो सोंधा सोंधा होता है और प्लस इसका जो ये भी बना हुआ है हाँ, ये भी उसमें ही बना हुआ चोखा, तो टेस्ट बिल्कुल अलग है इसका, सारा चीज अलग बिल्कुल चोखा। मैंने इनका देखा कई जगहों पे ना काफी पानी वाला मिलता हाँ, पानी वाला मगर ये बिल्कुल गाढ़ा सा गाढ़ा सा है, बढ़िया हाँ। है और इसमें भी टेस्ट बहुत अच्छा रहा है, अपना पुराने स्टाइल में जैसे बनाया जाता है ना हम लोग के गाँव गाँव में वही स्टाइल में, वही गाँव के स्टाइल गोईठे में बनाया जा रहा है, जो काफी मतलब अच्छा शुद्ध एकदम बढ़िया लग रहा है। मजा आया, बहुत मजा आया, बाहर से आया पहली बार ट्राई किया ये वाला, बहुत अच्छा लगा, काफी अच्छा। तो ये गया दोस्तों हमारे पतीले के अंदर जिसमें की दली हुई है देसी घी, अच्छे से इसको डुबोया गया है और मिक्स किया जा रहा है, ये देखिए किस तरीके से, और ये प्लेट में जा रहा है। ये देखो ये आएगा दोस्तों हमारी प्लेट लगी है घी वाली लिट्टी की और साथ में जाएगा दोस्तों इसमें प्याज गया है, अब डाला जाएगा उसमें चोखा। अच्छा तो कितनी बार भी आप चोखा लेना चाहें दोस्तों आप ले सकते हैं। तो ये आ गया हमारा चोखा और साथ में जाएगा दोस्तों हरी मिर्च। तो लिए दोस्तों ये लग गई हमारी प्लेट लिट्टी की, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या ज़बरदस्त प्लेट लगाई गई है दोस्तों। यहाँ पे देखिए दो लिट्टी है जो कि देसी घी की है, घी में डुबाया गया उसको अच्छे से और यहाँ डाला गया दोस्तों चोखा, प्याज, हरी मिर्च और अचार। भाई बड़ी ही टेम्पटिंग सी प्लेट है जिसमें हर अलग अलग आइटम्स हैं और स्वाद का धमाका होने वाला दोस्तों आज, क्योंकि अलग अलग स्वाद आपको इस प्लेट में दिख रहे होंगे, है ना। तो आइए इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसा है इसका स्वाद। भाई मुझे तो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। तो दोस्तों आज मेरे साथ मेरे भाई हैं डॉक्टर कौशल सिंह हैं, कैसा लग रहा है वीडियो में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है दोस्तों, मेरे छोटे भाई हैं, मेरे चाचा के लड़के हैं और ये आज मुझे लेके आए हैं इस जगह पे। भाई मैं तो बड़ा खुश हुआ आज यहाँ पे ऐसी चीज़ें देख के ना, मैं खुद बिहार से, हम लोग है ही बिहार से मगर हम लोग यहाँ रहे, मैं नहीं रहता बेसिकली, ये लोग तो यहीं रहते हैं हाँ। तो आज ये मुझे लेके आए, बड़ा मन खुश हुआ। और चलिए अब टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसा है टेस्ट। यहाँ का लिट्टी जो है ना हाँ हाँ, हमको पता था पहले से भी कि यहाँ का लिट्टी जो है बहुत अच्छा है हाँ हाँ, सबसे एक टेस्ट इसका बहुत अच्छा है और जो सफाई से यहाँ पर सब लोग बनाता है हाँ हाँ, ये सुन के हम आपको बोले कि चलिए यहाँ पर पहले हम लोग बिल्कुल आज शुरुआत दोस्तों यहीं से करिए। देखते हैं इसका, देखने में तो इतना सुंदर लग रहा है, वो तो खाने के बाद कैसा लग रहा है। चलिए आइए, देखिए दोस्तों आइए पास आइए, जरा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये थी लिट्टी
इसको ना ये देखिए अंदर इसकी स्टफिंग देख रहे हो आप, मैंने आपको दिखाई भी थी स्टफिंग, जिसमें सत्तू डाला जाता है, हरी मिर्च, प्याज, लहसुन, जीरा, मंगरेल, अजवाइन, ये सब डाल के ये मसाला तैयार किया जाता है और इसको आग पे पकाया जाता है। तो भाई देखने में तो लाजवाब है। अब इसको तोड़ते हैं हल्का सा। ओह मेन दोस्तों जो स्वाद होता है ना लिट्टी का, वो सत्तू से ही आता है। तो ये देखो सत्तू ही लिया, ये आ गया हमारा चोखा। और भाई साहब ये चोखा भी ना, ये पानी वाला चोखा हमें हर जगह देखने को मिलता है, मगर ये चोखा मैंने देखा खासतौर पे जब दीदी बना रहे थे ना, तो काफ़ी बढ़िया तरीके से गाढ़ा गाढ़ा सा बनाया था उन्होंने, पानी नहीं डाला इसके अंदर, मसाले डाले, बैगन, आलू, ये सब डाल के। तो आइए टेस्ट करता हूँ। जैसा एक्सपेक्टेड था दोस्तों, लिट्टी जो है बिल्कुल स्मोकी, बाहर का आउटर क्रस्ट जो है बिल्कुल क्रंची करा रहा है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, और जो ये मसाला तैयार किया गया है सत्तू वाला वो भी बहुत बढ़िया। और जो ये दोस्तों लिट्टी खाने का मज़ा कब आता है, जब चोखे के साथ आप खाओगे ना उसको, तो उसका एक अलग मज़ा आता है। तो जो चोखे के साथ हम खा रहे हैं ना, चोखा बिल्कुल लाजवाब है, हल्का सा तीखा है क्योंकि इसमें मिर्च डला हुआ है। वाह। और आज मैं क्या क्या वाह, आज बड़ा मज़ा आया। ये बिहार का मशहूर खाना है। लिट्टी खाने के बाद मज़ा आता ही है, पूरी भाजी खा लीजिए, सब्जी खा लीजिए, लेकिन इसका एक अलग ही मज़ा। वो तो ऑयली खाना हो गया ना, ऑयली खाना, तेल वाला, सादा, बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से बनाया हुआ, आग पे पका हुआ, बहुत मज़ेदार। पहले गाँव में बनता था गोईठे वाला लिट्टी। हम लोग भी जो छुट्टियों में आते थे जैसे, शहर में ये सब तो खाने को बिल्कुल ही मिलता ही नहीं है। बिल्कुल जब भी कहीं जाइए तो वही खाना जो है, टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत यूनिक है, आपको शहरों में नहीं मिलेगा। आप भी कभी बिहार का चक्कर लगता है ना, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा ये लिट्टी, जो आग पे या छान के बनाया जाता है या गैस पे पकाया जाता है या कोयले पे, वो भी अच्छा होता है नो डाउट, मगर उसका अलग स्वाद होता है और इसका अलग स्वाद है, बहुत लाजवाब। और मेरे को ना कई बार मैं लिट्टी खाता हूँ ना, तो मुझे ये लगता है कि लिट्टी काफ़ी सूखी सूखी सी होती है, मगर ये वाली लिट्टी सूखी ड्राई नहीं लग रही है ना, बिल्कुल सॉफ्ट है, चोखे के साथ खाने में बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो चलिए दोस्तों, ये लिट्टी तो भाई ने तो मैंने फिनिश कर दिया, अब मैं भी फिनिश कर लेता हूँ फटाफट, है ना, भूख लगा रहा है, खाना खाने के बाद में दम जल्दी जितना जल्दी खा जाए। सही बात है दोस्तों, हमने काफ़ी वेट भी किया, तकरीबन आधा घंटा में हो गया लिट्टी और मिल जाए, चोखा थोड़ा मिल जाए, चोखा तो मिल गया भैया के पास, इतना मतलब लिट्टी खत्म हो गया ना, लिट्टी खत्म हो गया, क्या बात है। तो लिट्टी जो है वो खत्म हो चुका है, इतनी क्वांटिटी में बनाया था और फिनिश भी हो गया, लाइन लगी हुई थी, तो इसको मैं फिनिश करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करिए। आपको एड्रेस बताता हूँ दोस्तों, कहाँ पे आया हूँ इस वक्त, भी आप अगर आते हैं तो आपको मिलना ये ज़रूरी है। कहाँ पे आया हूँ, मेरे पीछे देख सकते हो, ठीक सामने ना आरजेडी का ऑफिस है, उसके ठीक सामने ही बगल में राइट हैंड साइड में ये छोटे से स्टॉल लगाते हैं भैया, जहाँ पर ये चीज़ बनाते हैं, तो बड़ा लाजवाब टेस्ट है, बड़ा यूनिक टेस्ट है, आप भी आइए और इसको टेस्ट ज़रूर करिए।